हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेंगे कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स, फिर आएंगे चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि किन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कंपनी का रिजल्ट आया है कल, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट गया। अब ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे इनकी सेल्स वगैरह थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पे सेल्स कम होने का रीजन भी बता देते हैं। यहाँ पे देखोगे पिछले साल 25,000 थी, अब की 17,000 है। उसके साथ साथ मार्जिन पर थोड़ी सी कमी आई है। ओवरऑल रिटर्न देखोगे तो नेट प्रॉफिट पे भी कमी आई है। बस यहाँ पे ये है कि अदर इनकम में थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे इनकम थी, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं तो ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलता। अब यहाँ पे सेल्स क्यों कम हुई है? देखो सेल्स कम इसलिए हुई है क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो गवर्नमेंट में बीच में आयरन ओर और ये स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज थी, इनको लिमिट लगा दी थी कि इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि आयरन ओर अगर ये लोग पकड़ के अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो इनको आने लगे बहुत ज़्यादा मोटा पैसा। और जब ऐसा होने लगा सारे अगर बाहरी को बेच दिए सारी ये लोग, मतलब जहाँ पर पैसा मिल रहा है उसी देश में बेच दिए, तो होगा क्या कि हमारे यहाँ जो आयरन ओर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके वजह से स्टील के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फिर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की केस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना पड़ता है। तो यही रीजन है कि सेल्स वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने के लिए हम लोग को मिली है। कोई बहुत बड़ी फैक्टर नहीं है ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डिमांड वगैरह कम हो गया। ऐसे आयरन ओर की क्या ही डिमांड कम होगी, ये तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि एवरग्रीन स्टॉक्स होते हैं ये सब, और मतलब पैसा छापने की पूरी मशीन होते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि इनको खुद का पैसा अपना कैपिटल लगाने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा इनके यहाँ सेल्स ग्रोथ वगैरह भले ही ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जैसे 14% यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, वो तो एक तरह से कह सकते हो कि एक साल की बात होगी, दो साल की बात होगी, लेकिन हर समय यहाँ पे इतना सेल्स ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो 2-3% की भी सेल्स ग्रोथ है, उसके बावजूद कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो डिविडेंड इतना मोटा दे देती है इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स को कोई दूसरी शिकायत रहती ही नहीं है। यहाँ पे 14% का यील्ड मिल रहा है आपको और उसके ऊपर यहाँ पे 14% का रिटर्न 3 साल में, रिटर्न नहीं सेल्स ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव के अंदर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर डिविडेंड 14% का है तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे आप लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी। और उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी मिल जाती है तो आपको शेयर एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कुछ नहीं, मान लो साल का 12% भी दे दिया रिटर्न, उसके ऊपर क्या कहते हैं आप लोग को कि स्टॉक के अप्रिसिएशन में मिल गया 12-13%, और उसके ऊपर से 14% का रिटर्न और मिल रहा है डिविडेंड के ऊपर, तो उससे बेटर क्या हो सकता है आपके लिए? मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना मोटा रिटर्न दे के चली जाएगी कंपनी। स्टॉक की पी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक तरह से साइक्लिकल कंपनी है तो वो इंडस्ट्री की पी के आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा लोअर साइड पे हमेशा बना रहेगा। अब कभी ये मत सोचना कि ऐसी कंपनीज मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगी, ये ऐसी कंपनीज कैश मेकिंग कंपनीज होती हैं, इनके पास फर्दर और ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स के प्लान नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैश बांटती है ये लोगों को, यही इनका काम है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे कंपनी की ठीक ठाक है। सेल्स वगैरह हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, FIs की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, DIs की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। ऑल्दो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि एक तरह से यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और उसके बाद आते हैं चार्ट पे, हमारा मेन फोकस जो रहेगा। अब वीकली चार्ट पे यहाँ पे आके देखोगे तो वीकली चार्ट पे देखने के लिए मिलेगा कि अभी तो यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जोन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन सकता है टॉप पे। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला चीज़ हम लोग को कंफर्म हो जाती है तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग कर सकते हैं। बाइंग किस लेवल पे करेंगे, वेट करेंगे ये वाले लेवल्स भी क्लियर कर जाए एक बार, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट कहाँ गया प्राइस लेवल, यहाँ पे ये वाला लेवल जैसे क्लियर होता है यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, और फिर उसके बाद टारगेट अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के 153 वाले लेवल्स के लिए जा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ आपको छोटा लग रहा होगा क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली पे आओगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ इतनी भी छोटी नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले लेवल क्लियर करते ही 125 के आसपास आप लोग बाइंग कर सकते हो, और उसके बाद बाकी आपको वेट करना है। सारी पोजिशन इस पर ऐड नहीं करोगे, एक बार क्यों नहीं ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके बगल में रेजिस्टेंस है, और जब भी बगल में रेजिस्टेंस हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक साथ में सारा बाय ना किया जाए, एक बार यहाँ पे आए रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे बची हुई पोजीशन जितनी भी बनानी है ऐड कर लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता ऐड करने का। तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल तो हम लोग को मिल जाएगा, एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को पूरी क्लैरिटी चाहिए कि भाई ऊपर जाएगा या बेवकूफ़ बना रहा है हमें, या यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। तो इसलिए करेंगे क्या, 50% क्वांटिटी आप लोग यहाँ ऐड करो 125 में, बाकी बची हुई क्वांटिटी आप लोग कहाँ ऐड करो 130 के ऊपर। उसके बाद जो टारगेट हो गए जो, तो बहुत ही सिंपल है, 145 के आसपास के ले सकते हो। ऑल्दो ओवरऑल टारगेट देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को 20-25% भी रिटर्न निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देके बैठना पड़ेगा इसके अंदर।
इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।